मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में जनपद देपालपुर द्वारा बेटमा में मंगलवार को स्थानीय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटमा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेटमा सहित आसपास क्षेत्र के युवाओं युवतियों ने हिस्सा लिया, कुछ को रोजगार भी प्राप्त हुआ। इस रोजगार मेले में RCET भैंसलाय और DDUG के जो प्रशिक्षण कर प्लेसमेंट करता है, उसके साथ ही 8 से 10 ऐसी कंपनियां भी जो साक्षात्कार कर सीधे चयन कर जॉब दे रही है, जिसमें 8वीं कक्षा से ग्रेजुएशन तक के युवक युवतियां जो अपना पंजीयन कराकर जॉब प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से शासन स्तर से निर्देश है कि हर माह हम ब्लॉक स्तरीय मेलों का आयोजन करेंगे, तो इसमें प्लान किया गया था कि हमने आप बेटमा से स्टार्ट किया है, हमारे पास हमारा देपालपुर जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, बेटमा, देपालपुर और गौतमपुरा। पहला ये मेला है आज हमारे इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का भी होगा, अगले भी होगा, तो पूरे साल भर हर माह इस तरह के आयोजन आयोजित किए जाएंगे जिसमें कि रोजगार देने की कार्रवाई की जाएगी। आज जैसे यहाँ पे 13 कंपनियों को आमंत्रित किया था, आने की कंसेंट भी दी थी, लेकिन 6-7 कंपनियाँ आई है यहाँ पे, और अभी पंजीयन हो रहा है, संख्या काफ़ी कम है, इशू है कि कहीं या तो एग्ज़ाम का इशू बता रहे हैं या प्रचार नहीं हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो पहला आज का इवेंट है, इसमें काफ़ी कम क्राउड लग रहा है। नेक्स्ट जो हम देपालपुर में आयोजन करेंगे उसके लिए और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक इस प्रोग्राम का लाभ ले, जो की मंशा है कि ट्रेनिंग के माध्यम से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से उसको अपनी आजीविका संचालित करने का साधन मुहैया कराया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।